रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम करेंगे आपकी ग्रामर का लेसन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 19 पर है। आपने ओपन कर लेना है। सीवर डे टू डे आपने परमेंशन कर देना है। नाउंस पढ़ेंगे। नाउंस में पता है ये सबको कहते हैं। वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन लाइक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। हमने बहुत की किस्म पढ़ी हैं, किस्में पढ़ी हैं नाउन की, जो कि है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको पता है, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग कॉल्ड कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन कहते हैं स्पेशल नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं जो बनता है दो नाउन से मिलकर बने, यानी दो नाउन को जब हम कंबाइन कर दें तो जो फिर नाउन बनेगा उसे हम कहेंगे वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड नाउन नाउन्स। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। यानी वर्ड है मैच, बॉक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। मैच और ये बॉक्स दो वर्ड हैं, तो ये कंपाउंड नाउन है। मैच भी एक नाउन है और बॉक्स भी। जब दो नाउन इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया? कंपाउंड नाउन, मैच बॉक्स। जैसे ग्रास होपर है, ग्रास एक वर्ड है, होपर एक वर्ड है, ग्रास ऊपर एक वर्ड बन के क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। मोटर एक वर्ड है और साइकिल, दो वर्ड्स मिलकर क्या बने हैं? कंपाउंड नाउन, ठीक है। यानी दो नाउन्स को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड नाउन। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जैसे मैच बॉक्स है, ग्रास ऊपर है और मोटरसाइकिल है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैच भी कॉलम दिए हुए हैं, हमने कंपाउंड नाउन बनाने हैं। जैसे हमने एयर का बना दिया, एयर के साथ बनाया फील्ड, बैंक, नोट, बाथ, रूम, नाइट, मेयर, गन, फायर, स्विमिंग पूल, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ए पार्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द कंपाउंड नाउन ऑफ ईच। हमने यहाँ पे पिक्चर देखनी है, उसके कंपाउंड नाउन लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है ये लैंप है तो टेबल लैंप, एयरप्लेन, वॉल क्लॉक, न्यूज़पेपर, आइसक्रीम, स्टोरी बुक, ठीक है। आपने भी ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और हमने जो सूटेबल वर्ड है वो उसके अंदर लिखने हैं। जैसे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक पुटिंग ऑन माई हेडफोन्स, आपने हेडफोन्स यहाँ पर लिख देना है। द टीचर इज राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। गो टू द डैश एंड गेट सम मेडिसिन। गो टू द ड्रग स्टोर। आई एम डूइंग माई होमवर्क। प्लीज सॉल्व दिस डैश पजल, दिस सब ड्रग स्टोर। आई एम डूइंग माई होमवर्क। प्लीज सॉल्व दिस डैश पजल, जिक्सा पजल। नेक्स्ट चलते हैं पेज की तरफ। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है। कॉपी द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अंडरलाइन द कंपाउंड नाउन इन दी सेंटेंसेज। अब यहाँ पे जो सिक्स सेंटेंसेज दिए हुए हैं, इसके अंदर जो कंपाउंड नाउन है उसमें अंडरलाइन करना है। जैसे ही इज सिक ऑल्सो, ही इज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। व्हील एक वर्ड है, चेयर एक वर्ड है, तो ये पूरा क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं ना कंपाउंड नाउन, तो ये व्हील चेयर हो गया। इसमें पासवर्ड है, इसमें पासपोर्ट है, इसमें हैंड राइटिंग है, इसमें कोर्टयार्ड है, इसमें फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द कंपाउंड नाउन राइट रिटन अंडर दैम। सेपरेट द वर्ड्स टू शो हाउ दे आर मेड। राइट एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव एंड वी फॉर वर्ब। वन एग्जाम्पल इज गिवन। जैसे मून लाइट है, तो ये मून है और ये क्या है? लाइट है। मैन सर्वेंट, मैन है और सर्वेंट है। न्यूज़ पेपर, ब्लैक प्लस बर्ड। ब्रेक फास्ट है। एंड फॉर नाउन, नाउन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। इसमें जो जो सी इसकी क्वालिटीज़ हैं हमने वो लिख देनी है। जैसे मून है और लाइट है, तो मून हमें पता नाउन है और लाइट एडजेक्टिव है। मैन नाउन है, सर्वेंट नाउन है, न्यूज़ नाउन है, पेपर नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड नाउन है, ब्रेक नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स मिल गए हैं और इस फॉर्म में आ गए हैं तो ये क्या बन गए हैं? कंपाउंड नाउन बन गए हैं। इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें नाउन भी है, जब हो सकता है इसमें वर्ब भी हो। लेकिन जब दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया गया तो क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। ये आपने याद रखना है और ये आपने बुक पे सॉल्व करना है।